अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ की जो मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो नीचे और साउथ ऊपर है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से पोल से साउथ पोल तक जाएंगी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइन एंटर कर रही है और उसमें अगर मैं एक मैग्नेटिक एक मीरिडियन बना दूँ, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मीरिडियन, जिसमें से लाइन कंटेन करती है। तो मान लो जैसे अर्थ की किसी सरफेस पे आप खड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे खड़े हुए हैं सच दैट कि लाइन नीचे से आती है और ऐसे एंटर करती है, तो आपने एक इमेजिनरी मीरिडियन यहाँ पर बनाया मैग्नेटिक मीरिडियन, और ये बी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स बनाए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो बी वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और ज्योग्राफिक मीरिडियन को फिक्स करते हुए मैग्नेटिक मीरिडियन ने जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। डेक्लिनेशन के ऊपर मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध आता है बता दूंगा कैसे आते हैं। तो ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन डिप है, तो मैग्नेटिक फील्ड एच के साथ एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, दिस इज एंगल ऑफ डिप। तो अर्थ के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स के, एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन है और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है। और बताया था कि जो टैन डेल्टा होता है वो किसके इक्वल होता है, वी वर्टिकल कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई एच, और टोटल बी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ ऐसे आंसर है। अब इसके अंदर इसी के अंदर आगे अगर कॉन्टिन्यू करें तो एक कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल पॉइंट्स का, कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं इसको एक बार देखते हैं।